तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर आज तिगांव क्षेत्र की संतोष नगर कॉलोनी में पहुंचे। वहां पर लोगों ने फूल मालाओं के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस सम्मान समारोह में संतोष नगर की कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई तो विधायक ने तुरंत आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना के चलते कुछ कार्य और आपसी तालमेल बिगड़ गया था, इसी कारण जो विकास कार्य हैं वे थोड़े रुक चुके हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है और जो कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक है, इसीलिए अब विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी और सभी पक्की की गई कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। दिखाई दे रहा ये नजारा तिगांव क्षेत्र की संतोष नगर कॉलोनी का है, जहां पर विधायक राजेश नागर लोगों के बीच पहुंचे। दो लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनको जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर समस्त कॉलोनी वासी मौजूद रहे। रोज फोन करता था और हफ्ते में 3 या 4 दिन मेरे पास आता था, आपकी दवाइयों के लिए, आपके राशन के लिए, और भी कोई चीज होती थी उसके लिए आपके लिए बहुत चिंता करता था। और उसी तरह से गिरिराज शर्मा जी भी आपके बीच में बहुत सालों से रह रहे हैं, हमारे राजेश तंवर जी भी बहुत सालों से आपके बीच में रह रहे हैं। रही लाइट की बात, तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा है आपका मेन और जो खंबे लगे हैं, ये मैं नहीं, एक्शन से कह के लाला वीरेंद्र मेरे पास आए थे, उनसे कह के ये मैंने लगवाया था। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में जितनी भी कच्ची कॉलोनी है सबको पास कर दिया है, उसमें से आपकी कॉलोनी भी पास हो जाएगी, आपको पक्के मकान भी मिलेंगे और सारी सुविधाएं जो पहले नहीं मिल पाती थी सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। और अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे गिरिराज जी के पुल के लिए, इसके लिए मैं कल कमिश्नर से बात करूंगा और कोशिश करता हूं जल्दी कि आपका पुल भी यहां से चालू हो जाए और ये जो आने जाने की आपको दिक्कत है वो दूर हो जाए, उसके लिए भी मैं कमिश्नर से कल बात करूँगा। बिजली के और खंबे जो आपको चाहिए, बिजली के खंबे भी आपके लगा दिए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ नहीं है स्ट्रीट लाइट भी आपकी लगा दी जाएगी, और जो जिनके मकान हमारे रोड में जा रहे हैं उनके लिए भी, उनको पक्का मकान मिले उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और आप लोग इसी तरह से मुझे बुलाते रहिए, कोरोना काल में 1-1.5 साल आना जाना थोड़ा कम रहा, पर अब आपके जो भी विकास कार्य रुके पड़े हैं सारे विकास कार्य होंगे। जय हिंद, जय भारत।